कल चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है, 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा और आजसू का जो ये बाइक रैली देख रहे हैं सुदेश महतो जी के नेतृत्व में ये किया जा रहा है, क्या कुछ सोच है, किन सोच के साथ आगे चुनाव लड़ रहे हैं यही बात करेंगे। सुदेश जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ का सिल्ली का विकास सबको ही देखा है, फिर से एक बार चुनाव की बारी है, क्या सोच के साथ आप इस बार मैदान में हैं? देखो, हमसे ज्यादा मेरी जनता सोचती है कि इस बार अगली बार फिर आएंगे तो हमारे लिए क्या नया लेके आएंगे। हमारा आने वाला मैंने 4-3 एजेंडा हम लोग ने पहले भी रखा है, वो एजेंडा पे ही आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा कि आने वाले समय के लिए एक अच्छा हमारा शैक्षणिक माहौल यहाँ तैयार करना है, किसान के लिए थोड़ा काम होगा, हॉस्पिटल की बेहतर सुविधा, ये बेसिक 2-4 इंडेक्स है जिससे थोड़ा अप करने की तैयारी है। आपके मैनिफेस्टो में है युवाओं को रोजगार, एकदम रोजगार हमारा पंच लाइन है, 5 साल के सूखे को खत्म करेंगे और झारखंड के नौजवानों को हाथ में रोजगार देंगे। पलायन बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं मिल पाता, उसको सृजन करना होगा। ये गवर्नमेंट जॉब और क्रिएटेड जॉब आपको करना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करने पड़ेंगे जब तक हमारे लोगों का पलायन ना हो। अभी यहाँ जो सुदूरवर्ती गाँव में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें पहुँच नहीं पा रही हैं। होगा जब आप एक निरंतर प्रयास करते हैं फिर एक ब्रेक मिलता है और ब्रेक और फिर एक गवर्नमेंट 5 साल आती है जिसका कोई कमिटमेंट डेवलपमेंट के साथ नहीं रहा है, जो तार डेवलपमेंट का है वो ढीला पड़ता है, टूटता है। आम जनता से क्या कहेंगे, प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है? कहेंगे बस वोट की जो इच्छा है वोट पे अपनी इच्छा को निहित करिए और जबरदस्त वोट करिए। वोट करना है 20 तारीख को सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, मतदान का दिन है, बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले वोट करें, उसके बाद ही बाकी काम करें, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार भी है। हर अपडेट सिल्ली विधानसभा को लेकर आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। जिंदाबाद।